हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका कुकिंग पैशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ प्याज लच्छा पराठा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत झटपट बन जाती है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनती है। आप इसे ब्रेकफास्ट में, बच्चों के लंच बॉक्स में या फिर इवनिंग टी के साथ बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बिना स्किप किए मेरे वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, जिससे कुछ भी मिस ना हो। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें। फ्रेंड्स, इसमें क्या लगता है, कितने इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, कैसे बनाते हैं, मैं एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 6 पीसेस बारीक कटे हुए प्याज लच्छेदार, थोड़ा सा धनिया पत्ता कटा हुआ, 1/2 टीस्पून चिली, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून अजवाइन, थोड़ा सा हींग, हींग आप स्किप कर सकते हो, थोड़ा सा नमक, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स आप स्किप कर सकते हो चिली फ्लेक्स को, बटर, 1/2 kg मैदा, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। फ्रेंड्स, मैदा की जगह आप आटा का भी यूज कर सकते हो, जिससे हम रोटी या चपाती बनाते हैं, ये ऑप्शनल है, या फिर आप 1/2 मैदा 1/2 आटा भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अब आटे में नमक को डालेंगे। फ्रेंड्स, ये 2 टीस्पून नमक है। अब इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे, अब इसको भी मिक्स करेंगे, अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो लगाएंगे। फ्रेंड्स, पानी को हम एक साथ ऐड नहीं करेंगे। अब इसको मिक्स करके इसका सॉफ्ट डो लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका एकदम सॉफ्ट डो लगा लिया है। अब थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल हैंड पर लेकर फ्रेंड्स, 1/2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल लेकर हमको डो पर अच्छे से लगा देना है। देखिए, मैंने अच्छे से लगा दिया है। अब इसको कॉटन के गीले कपड़े से ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, जिससे हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दूंगी सेट होने के लिए। फ्रेंड्स, हमारा आटा सेट हो रहा है। इतने हम स्टफिंग के बैटर को रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। फ्रेंड्स, तीखा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, अगर आप तीखा नहीं खाते हो तो चिली फ्लेक्स या मिर्च को कम ज्यादा कर सकते हो। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हींग, हींग फ्रेंड्स डाइजेस्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैंने ऐड किया, आपको नहीं पसंद तो स्किप कर सकते हो। नमक, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, धनिया पत्ता। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने अपने डो में भी 2 स्पून नमक डाला था, तो इसमें नमक की क्वांटिटी को कम ही डालना है अपने मिक्सचर में, क्योंकि आटे में भी हम नमक को डालते हैं। अब इसको भी 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, जिससे हमारा प्याज सॉफ्ट हो जाए। देखिए, हमारा प्याज रेस्ट के बाद सॉफ्ट हो गया है। अब इतने आटे को चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा भी सेट हो गया है। तो चलिए अब हम लच्छा पराठा बनाते हैं। फ्रेंड्स, अब इसकी हम लोइया बना लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, हमने लोइयां बना ली हैं सेम साइज की। अब इसको गोल गोल करते हुए हमें लोई को सेट कर लेना है। अब थोड़ा सा स्लिप पर मैंने आटे को डस्ट कर लिया है। फ्रेंड्स, आप डस्ट के लिए आटा, मैदा कुछ भी ले सकते हैं। अब इसको पतला पतला बेलेंगे। फ्रेंड्स, आप बेलने के लिए चकले, रोलिंग बोर्ड या स्लिप किसी भी चीज का यूज कर सकते हो। मैंने इसको देखिए पतला पतला बेल लिया है। इसका साइड थोड़ा ठीक है तो मैं इसे हैंड से थोड़ा पतला कर दूंगी। अब इस पे बटर से कोट कर देंगे। फ्रेंड्स, इस पे बटर या घी कुछ भी यूज कर सकते हो, बट मैं बटर का यूज कर रही हूँ। अच्छे से बटर को लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बटर को बहुत अच्छे से लगा लिया है। अब आटे से इस पे थोड़ा सा डस्ट करेंगे। आटा, मैदा किसी भी चीज से डस्ट कर सकते हो आप। अब इस पे मिक्सर को फैलाएंगे। आप स्पून या हैंड की मदद से किसी भी तरीके से आप बैटर को अच्छे से फैला लें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिक्सर को अच्छे से फैला लिया है। अब इसको रोल करेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा रोल करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप स्पून से इसको धीरे धीरे हल्के हाथों से नीचे से पुश करके हटाते जाइए और रोल करते जाइए। और आटे से अच्छे से डस्ट करके बेलिएगा तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। ये मैंने स्लिप पे बेला है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा चिपक रहा है और डस्ट भी मैंने कम किया है आटे से, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका रोल बना लिया है। अब इसको फोल्ड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देख लीजिएगा इसको फोल्ड कैसे करना है। और इसका लास्ट वाला पार्ट हम नीचे के साइड फोल्ड करके ऐसे दबा देंगे। देखिए, ये देखिए कैसा हमारा सर्कल टाइप में बनकर एकदम रेडी हो गया है। लग रहा है ना कितना ब्यूटीफुल देखने में फ्रेंड्स। अब फिर आटे से डस्ट करेंगे। अब इसे हल्के हाथों से बेलन से फ्रेंड्स बेलेंगे। फ्रेंड्स, आप इसको हैंड से भी फैला सकते हो, क्योंकि हमको इसको बहुत पतला बेलना नहीं होता है, थोड़ा थिक ही बेला जाता है। देखिए, ये देखिए मैंने हल्के हाथों से इसको बेल लिया है। अब मैंने गैस ऑन करके उस पर तवे को रख दिया है। फ्रेंड्स, आप तवा कोई भी यूज कर सकते हो, नॉन स्टिक तवा या लोहे का तवा। अब इस पर बटर से थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे। हमारा तवा गर्म हो गया है फ्रेंड्स। अब इस पे हम पराठा को डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पराठे को डाल दिया तवे पे। अब इसको थोड़ा सा कुक हो जाने पर दूसरे साइड पलट देंगे। देखिए, अब इस पे बटर लगाएंगे। आप बटर, घी कुछ भी लगा सकते हो फ्रेंड्स, आपकी चॉइस है। दबा दबा कर हल्के हाथों से सेकेंगे। देखिए, दूसरे साइड भी मैंने बटर लगा दिया है। देखिए कितने अच्छे से कुक हो रहा है। फ्रेंड्स, इसको मीडियम फ्लेम पर रखकर ही कुक करिएगा, क्योंकि थोड़ा थिक रहता है तो अंदर से नहीं कच्चा रह जाएगा। फ्रेंड्स, देखिए हमारा लच्छा पराठा रेडी है, प्याज लच्छा पराठा। फ्रेंड्स, इसका लेयर दिखाती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत गर्म है, इस वजह से टच नहीं कर पा रही हूँ मैं आपको, लेयर निकाल कर अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ, बट आप देख सकते हैं। देखिए हमारा पराठा कितना अच्छा लेयरिंग वाला और कितना अच्छे से स्टफिंग इसके अंदर है, ये देखिए।
फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा गर्म है ये। देखिए फ्रेंड्स कितना टेस्टी बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप भी ज़रूर ट्राई किया करें और मेरे वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। कुछ नहीं जाता फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर भी क्या प्रॉब्लम है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो और जो लोग करते हैं वो भी अनसब्सक्राइब कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने जो पिज्जा सॉस की रेसिपी शेयर की थी आपके साथ, मैंने वही पिज्जा सॉस के साथ सर्व किया है। हम इससे इंजॉय करेंगे, आप इसको किसी भी चीज के साथ इंजॉय कर सकते हो, चाय के साथ, किसी भी चटनी या सॉस के साथ, दही के साथ, या विदाउट किसी भी चीज के आप इसको इंजॉय कर सकते हो फ्रेंड्स। ये बहुत ही टेस्टी है। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लेयर है इसका, कितने अच्छे से कोटिंग है।